दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है या मुद्दे की बात है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है देश की महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण। आप सब जानते हैं कि गत लोकसभा चुनावों से पहले एक इमरजेंसी मीटिंग कह सकते हैं आप, लोकसभा में सेशन बुलाया गया था। सब चौंक रहे थे, किसी को पता भी नहीं था आखिर मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। उस टाइम ऐसा ही माहौल था और खासकर विपक्षी दलों के नेताओं में, कि जो स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया है उसमें ऐसी क्या घोषणा होने वाली है जो एक स्पेशल सेशन की जरूरत आन पड़ी। तो दोस्तों, जब वो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, तो वो था महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण। तो महिला आरक्षण को उस सेशन में बहुमत से पास तो कर दिया गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया। और जानकारों को मानना है, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि महिला आरक्षण के लिए स्पेशल सेशन बुलाना और उसमें महिला आरक्षण की घोषणा करना मोदी जी का ये भी एक बड़ा जुमला था। यदि मोदी सरकार की नीयत साफ होती तो उस स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण लोकसभा चुनावों से ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको लागू न करने के लिए कई इफ एंड बट लगाए गए कि इसलिए तुरंत नहीं लागू हो सकता। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रास्ते थे कि यदि मोदी जी तत्काल महिला आरक्षण लागू करना चाहते तो वो हो सकता था, क्योंकि देश के सभी राजनीतिक दल इस महिला आरक्षण को लागू करना चाहते थे, सभी की इच्छा थी और सर्वसम्मति से वो पास भी हो गया। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनाव चला गया, उसके बाद अब कई विधानसभाओं के इस साल और अगले साल भी चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण का क्या हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दोस्तों, क्या वो ठंडे बस्ते में चला गया है? कोई कह रहा है 2029 में होगा, कोई कह रहा है 10 साल पहले लागू होगा। यदि 10 साल बाद या 2029 में ही होना था तो भाई इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर, इमरजेंसी से एक सेशन बुलाकर पार्लियामेंट का, उसे लागू करने का मतलब क्या था? जानकार मानते हैं इसका सीधा सीधा सा मतलब, लोकसभा चुनावों में भाजपा को बहुमत दिलाने के लिए फेंका गया एक पासा था। वो महिला आरक्षण का मुद्दा कितना सफल हुआ भाजपा को वोट दिलाने में, या बहुमत, भारी बहुमत से भाजपा को तीसरी बार सत्ता लाने में, वो सब आपके सामने है। लेकिन दोस्तों,
कोई है जो इस महिला आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है? तो दोस्तों, वो नाम है कांग्रेस की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। दोस्तों, वो पिछले दिनों फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 3 में आई थी, जहां वो हरियाणा महिला कांग्रेस के डेलीगेट्स को संबोधित कर रही थी। उन्होंने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि जो मोदी जी ने महिला आरक्षण का फायदा उठाने के लिए जो पासा फेंका था, वो मात्र जुमला साबित हुआ, लेकिन महिला राष्ट्रीय कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीर है और इसको लागू कराने के लिए पूरे दिल से देश की महिलाएं, खासकर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस जो संगठन है हमारा, वो जोर शोर से लगा हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि न केवल दिल्ली, न केवल फरीदाबाद, जयपुर और हम देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में जाकर महिला आरक्षण बिल को लागू कराने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं और जब तक ये लागू नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, देश की महिलाएं चैन से नहीं बैठेंगी। और उन्होंने कहा भी, उस अवसर पर कुछ पट्टियां भी हाथ में लिखे हुए पट्टिका भी थी जिन पर लिखा हुआ था कि साडा हक इत्थे रख, देश की गृहिणियों को महंगाई से राहत दो, महंगी सब्जी महंगी दाल बंद करो ये अत्याचार। तो दोस्तों, मैं यह मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहे, उन्होंने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण तो मिले, लेकिन राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा यह कहना है कि 33% महिला आरक्षण में एससी एसटी और ओबीसी की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जिससे देश के हर वर्ग, हर जाति धर्म सब की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से अलका लांबा दावा कर रही हैं, और वो इन दावों में साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, अभी दो तीन महीने में होने वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे हरियाणा है, और चाहे झारखंड है, और अगले साल भी फिर कई प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, तो मतलब हम 10 साल देश की महिलाएं 10 साल महिला आरक्षण का इंतजार नहीं करेंगी, और इन्हीं प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं, इस साल हो रहे हैं या अगले साल होने वाले हैं, हर पार्टी महिलाओं को 33% टिकट देने में आरक्षण दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब महिला देश की महिलाएं बहुत देर तक इंतजार नहीं करेंगी, वो इंतजार नहीं करेंगी, वो अपना संवैधानिक हक लेकर रहेंगी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, एक परिवार को चलाने के लिए उनके कंधों पर कितनी जिम्मेदारी होती है, चाहे घर की
महंगाई का हो, बच्चों के पालन पोषण का हो, उनकी शिक्षा का हो, तो जितना किसी भी परिवार की महिला जानती है उतना पुरुष भी नहीं जानते। और उन्होंने जोर देकर कहा कि आज भी लोकसभा चुनाव से पहले भी केंद्र में भाजपा सरकार थी, तो हम आगाह करना चाहते हैं कि इस महिला आरक्षण को भाजपा सरकार या एनडीए सरकार जुमला बनाकर ना छोड़े और इन्हीं विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू हो। और उन्होंने कहा है कि यदि महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ तो महिला कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करेगी और ये आंदोलन दिन पे दिन तेज होते जाएंगे और हम सरकार को आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए मजबूर कर देंगे। महिला आरक्षण को अलका लामा ने तो जुमलेबाजी कहा है मोदी सरकार की, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में हरियाणा की डेलीगेट फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 सेक्टर में जुटी और जितना जोश उन महिलाओं में था आरक्षण को लागू कराने के लिए, तो उससे लगता है कि अलका लामा रात दिन इसके लिए काम कर रही हैं कि वो देश की महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण दिला सकें, जिसमें SC ST और OBC को भी समाहित किया जाए। उनकी जनगणना के अनुसार सबको आरक्षण मिले। तो दोस्तों, देखना है कि मोदी जी ने जिस जोश खरोश के साथ आरक्षण बिल कानून पास किया था, वो महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए कितने कटिबद्ध हैं, कितना दिल से चाहते हैं, और अपने तीसरे कार्यकाल में भी क्या वो महिला आरक्षण बिल लागू करने का काम कर पाएंगे या नहीं। यानी दो बार 5-5 साल की सरकार है तो उनकी गुजर गई, क्या ये 5 साल भी आने वाले जो एनडीए की सरकार है वो महिला बिल को लागू करा पाएगी या नहीं, या ये भी अन्य घोषणाओं की तरह जुमला ही साबित होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो अलका लामा जी दावा कर रही हैं कि महिला आरक्षण लागू मोदी सरकार करेगी या नहीं, एनडीए सरकार करेगी या नहीं, और उसको राष्ट्रीय महिला कांग्रेस इस आंदोलन को कितना मजबूत कर पाती है और सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के लिए मजबूर कर पाती है, ये आने वाले दिनों में हम और आप सब देखेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।